सारला भजन मंडल भोपाल इनके बाद तैयार रहे। समिति का आदेश का पालन करते हुए समय 10 मिनट कथा महाभारत वीर रस से। पहले चंद्रशेखर सुनेंगे, आइए। ये महाभारत का दौर है भैया, इसका मजा ही कुछ और है। अरे आज देखना है यहाँ क्या होने को जाएगा। अरे ताली बजा दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। सुन सुन अपनी जिंदगी का प्यार देखकर, अरे तू क्या रहीस बन गया अपना किरदार बेचकर। अरे बुद्धि तेरी रगों में खून नहीं बचा, जा चूड़िया खरीद ला अपनी तलवार बेचकर। आदाबे आदाबे जिंदगी से बहुत दूर हो गया। अरे शोहरत जरा सी क्या मिली, मगरूर हो गया। उड़ाने खत्म कर दे हम हरगिज हो नहीं सकते, हवा भी तेज हो तो समझौता हम कर नहीं सकते। बहुत अच्छी तरह पता है, बहुत अच्छी तरह पता है हमें अपनी कद का अंदाजा। जान चाहूंगा, बहुत अच्छी तरह पता है हमें अपने कद का अंदाजा। हम अपना साया लंबा देखकर उछला नहीं करते। अरे हम तो वो वीर है जो समर में पीठ दिखाया नहीं करते। आ जाए अगर कोई दुश्मन तो उसका सपाया छोड़ने करने से नहीं मना नहीं करते। क्या कहते हैं बेटा, लेकिन पहले पेड़ लगाना पड़ता है। समय कम है, कथा समझ ले। परशुराम जी और पिता माँ का भीष्म युद्ध आपके सामने, कथा लंबी है, समझदार लोग बैठे हैं, जानकार लोग बैठे हैं। अम्मा अंबिका मालिका को जब जीत कर पिता माँ भीष्म ले आते हैं तो अम्मा कहती है मुझसे शादी करो। अम्मा परेशान हो जाती, भीष्म शादी नहीं करते। अम्मा परेशान होकर परशुराम जी के पास जाती है, परशुराम जी को सारा हाल सुनाती है। परशुराम जी पिता माँ भीष्म को बुलाते, कहते या तो इससे शादी कर या मेरे साथ युद्ध कर। कि मौत के पुजारी मौत से डरा नहीं करते, मैदान में जाकर यूं डरा नहीं करते। हादसा खुद हमारा पता कहते हैं रावत, हम पता जेब में रख कर निकला नहीं करते। या तो इसके साथ शादी कर या मेरे साथ युद्ध कर। तो परशुराम जी क्या कहते हैं,
आज तक किसी माँ ने ऐसा वीर पैदा नहीं किया जो परशुराम के तीरों को रोक ले। तू तो नया खिलाड़ी है, समर का मैं बहुत पुराना हूँ बेटा, तू मेरा चेला है, परशुराम जी गुरु हैं, पर भीष्म पितामह भीष्म के थे। तो क्या कहते हैं परशुराम जी? और मेरे ये हुआ पैदा हे कौन मतवाला, मतवाला हुआ पैदा। क्या कहते हैं, जब तक हो सकेगा झगड़ा तो डालते जाएंगे, मगर तुम ये बस समझ लेना कि हम हार के जाएंगे। मैदान का बंदोबस्त हम भी करके आए हैं, तू अच्छा है तो हम बुरा करके जाएंगे। क्या कहते हैं, इस धरती को मैंने 21 बार पृथ्वी से वीरों को भीड़ किया, तेरी औकात क्या है? तू तो मेरा चेला है, अभी भी भक्त है मांडा भीष्म। मैंने जीता सारे वीरों को, मैंने वीरों को जीत है डाला। ये हुआ पैदा हे कौन मतवाला, मतवाला हुआ पैदा हे कौन, हे कौन मतवाला। परशुराम जी के इतने वचन सुनकर पितामह भीष्म कहां कम पड़ने वाले, कहते मुनिराज ये होंगे मारे होंगे किसी जमाने में वीर जब मैं नहीं था, लेकिन आज मैं हूँ, आज दो दो हाथ हो ही जाए। क्या कहते हैं, तो जिसका मुझे इसी घड़ी का तो इंतजार था, तो जिसका मुझे था इंतजार, लड़ने को मैं भी हूँ तैयार। ले आप मेरे गुरु हो, या तो खुद मर जाऊंगा या तुम्हें मार डालूंगा। ये देना है तुमको या मर जाना है माँ, तुमको सामने आओगे तो कुछ कर जाओगे। ये दंगल ही दुश्मनों का है, मारोगे खुद नहीं तो खुद मर जाओगे। वो गई आ गई आ गई रे मां, क्या रे देना है तुमको या मर जाना है। Thank you.
पूरी करते हो तो चलो ओ परशुराम जी कहने लगे तू ऐसे नहीं मानेगा हाँ। तो सुन कर ले दो दो हाथ समर में कर ले दो दो हाथ आज पता चल जाएगा तुझे आज तुझे तेरी उपाय बताता हूँ आज होता है क्या होता है सारे देवता घबरा जाते हैं दोनों किसी से कम नहीं पड़ते समय कम है भैया कथा को आगे बढ़ाते हुए और दो वीरों में आज लड़ाई से दो खिल गई दो वीरों में आज लड़ाई लगता है अब मौत मेरे हाथों आ गई ये जंग छिड़ गई रे जंग छिड़ गई रे जंग छिड़ गई रे जंग जंग छिड़ गई रे जंग छिड़ गई रे जंग छिड़ गई रे जंग छिड़ गई रे जंग छिड़ गई।